आदाब। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे स्टीम वेजिटेबल्स की सैलेड। अगर आप बकरीद का गोश्त खा खा के थोड़े बोर हो गए तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। कि मैं भी थोड़ा सा बोर हो गई थी तो मैंने सोचा आज हम ये इस तरह की सैलेड खाते हैं, कोई आज नॉन वेज बिल्कुल नहीं खाएंगे। तो मैंने पहले भी एक स्टीम वेजिटेबल्स की एक और रेसिपी डाली हुई है, वो भी काफ़ी अच्छी है, आप उसको भी देख सकते हैं। उसका मैं लिंक दे दूंगी एंड स्क्रीन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, आप उसको भी क्लिक करके देख लीजिएगा। उसकी सॉस भी मैंने डिफरेंट तरीके से तैयार की है। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ उसके मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, इसको मैंने कौन कौन से वेजिटेबल्स लिए हैं और किस तरह से इसकी सॉस तैयार की है। स्टीम्ड वेजिटेबल्स विद ऑयल फ्री मेयोनीज के डिप के साथ, या उसको सॉस बोलिए, उसके साथ के जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं मैं आपको दिखा देती हूँ। कुछ वेजेस लिए हैं, ये अपने हिसाब से ले सकते हैं। हरी लाल पीली शिमला मिर्च है, गाजर है, बीन्स हैं, इतना लंबा लंबा मैंने काट लिया। कॉर्न लिया है मैंने, और ये ब्रोकोली लिया है, छोटे छोटे पीसेस मैंने कर लिए हैं। इसी तरह से सारी शिमला मिर्च के मैंने पीसेस कर लिए हैं, तो आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। तो उसको हम स्टीम करेंगे। मैंने ये स्टीमर ले लिया है जिसमें नीचे पानी है, आप कोई भी एक बर्तन ले सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है, कोई एक बर्तन ले लीजिए, एक पतीला ले लीजिए, इसमें पानी भर लीजिए और एक छन्नी की तरह कुछ इसके ऊपर रख दीजिए और सारे वेजीज उस पर रख दीजिए और फिर इस तरह से उसको ढक दीजिएगा। बस सिंपल है। इसमें भी वही सेम प्रोसेस है, इसमें भी जालियाँ हैं, छेद हैं, मैं सारे वेजिटेबल्स इसमें डाल दूंगी। नीचे मैंने पानी ले लिया है, जिनको थोड़ा गलने में ज़्यादा टाइम लगता है उनको हम पहले डालेंगे। तो गाजर और बीन्स को मैं पहले डाल रही हूँ, थोड़ा हमें क्रंची ही रखना है, इनको ज़्यादा गलाना नहीं है। तो पूरे मैंने स्प्रेड कर दिया है। अब मैं ये ब्रोकली डाल देती हूँ, सब मिक्स करके डाल देते हैं। इस तरह से मैंने सबको स्प्रेड कर दिया है। अब मैं इसको ढक के स्टीम दूंगी 10 मिनट के लिए और ये हमारे गल जाएंगे, इनको स्टीम में ही गल जाएंगे। लेकिन हमें थोड़ा क्रंची रखना होगा, बहुत ज़्यादा गलाना नहीं, क्योंकि सैलेड है। जब तक ये स्टीम होंगे तब तक मैं आपको इसकी जो सॉस है उसके इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ, वो तैयार कर लेते हैं। मैंने वेजिटेबल्स को स्टीम करने के लिए रख दिया है 10 मिनट के लिए, तब तक मैं इसकी एक डिप तैयार कर लेते हैं। मैंने ये छोटा जार ले लिया है, 10 से 12 मैंने काजू लिए हैं जिनको मैंने भिगो के रखा हुआ था, तो मैं इनको पानी समेत डाल देती हूँ। 2 लहसुन लिए हैं मैंने, इनको छील के रखा हुआ है, ये डाल देते हैं। थोड़ा सा हम इसमें नमक डालेंगे, इतना मैं नमक डाल रही हूँ, 1/3 टीस्पून या 1/4 टीस्पून आप समझ लीजिए। काली मिर्च डालूंगी 1/4 टीस्पून, क्योंकि हम वेजीज में कुछ नहीं डाला है तो उसके हिसाब से हमको थोड़ा नमक लेना होगा। मैं ये थोड़ा सा नींबू है या 1 टीस्पून के आसपास ही हो रहा है ये, तो इतना हम नींबू डालेंगे इसमें। और थोड़ा सा 1/2 टीस्पून हम सिरका लेंगे, एप्पल साइडर विनेगर आप ले लीजिएगा, सिंथेटिक विनेगर नहीं लेना है, बस एप्पल साइडर विनेगर बहुत अच्छा रहता है तो आप वो ले सकते हैं। तो उसको मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। ये डिप तैयार हो गई है, हेल्दी मेयोनीज तैयार हो गई है, ऑयल फ्री मेयोनीज। आप इसको घर में बना के रख सकते हैं, हफ्ता भर 10 दिन तक चल जाएगा। अगर इसको आप एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज में रखेंगे तो आपकी हेल्दी मेयोनीज भी हो जाएगी तैयार, जिसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं है। जो नॉर्मल जो हम मेयोनीज स्टोर बॉट लाते हैं बाजार से खरीद के, उसमें बहुत ज़्यादा तेल होता है, तो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होती है। आप घर में बनाएं, इस तरह से बनाएं तो आपकी अच्छी मेयोनीज तैयार हो जाएगी घर पर। तो उसमें थोड़ा सा मैं काला नमक डाल रही हूँ, मैंने डाल दिया, अब इसको मिला लेंगे। तो बिल्कुल हमारे तैयार है, बस हमारे वेजीज हो जाते हैं तो उसमें हम ये डाल देंगे और हमारी स्टीम वेजिटेबल्स की सैलेड बिल्कुल तैयार हो जाएगी। सैलेड जो है स्टीम हो चुकी है, आप देख सकते हैं कि अच्छे से गल गई है। तो मैंने सबको मिक्स कर दिया है, तो हमारी ये मेयोनीज भी तैयार हो चुकी है, आपके सामने मैंने तैयार किया है। तो इसको हम डाल देते हैं, लगभग 2-3 टेबलस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से अपने कम ज़्यादा कर सकते हैं। और उसको अब हम मिक्स कर देते हैं। नमक आप चेक कर लीजिए, अगर आपको लगे तो उसके ऊपर आप काला नमक और डाल लीजिएगा। मेयोनीज की कंसिस्टेंसी भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, ये गाढ़ी आप कर सकते हैं, कम पानी डालिएगा तो आपका गाढ़ा ही तैयार होगा। तो एक बार आप चख लीजिएगा सर्व करने से पहले इसमें नमक, और अगर ज़रूरत पड़े तो आप इसमें काला नमक डालिएगा, नॉर्मल नमक कम ही इस्तेमाल करिएगा, आप इसमें ज़्यादा काला नमक ही डालिएगा। तो हमारी सैलेड बिल्कुल तैयार है, हेल्दी सैलेड विद ऑयल फ्री मेयोनीज बिल्कुल तैयार है। आप इसको ट्राई करिएगा घर में और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बहुत अच्छी लगेगी। जो वेट लूज करना चाहते हैं उनके लिए परफेक्ट रेसिपी है।
इसमें कुछ भी ऑयल जैसा कुछ भी नहीं है, हेल्दी इसमें सॉस हमने डाली है। तो आप इसको ट्राई करिएगा, ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, कमेंट्स में आप ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो नीचे एक लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, हमारा बड़ा हौसला बढ़ता है, हमें अच्छा लगता है जब लाइक्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे बहुत तरह के रेसिपीज मिलेंगी, बिहार की रेसिपीज, दिल्ली की रेसिपीज, हेल्दी रेसिपीज, हर तरह के डेजर्ट आपको मिलेंगे। तो आप मेरे चैनल को विजिट करें और देखें उसमें क्या क्या रेसिपीज हैं, उनको ट्राई करें। अगली बार मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, देखते रहिए शैलाज दस्तरखान।